हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी रिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जोस पॉन्डिचेरी वुमन टी10 मैच की, जो कि मैच होगा ऐसे एंजल्स वुमन वर्सेस क्वींस वुमन्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ECS T10 के वीडियोज मिल जाएंगे, साथ ही में आपको बुखातिर T10 के वीडियोज मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही में यहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना गए तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो रिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपल आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 9:30 पर क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी CHM ग्राउंड पुडुचेरी इंडिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से न्यूट्रल और बैलेंस रहने वाली, लेकिन ज्यादा स्कोर बनता नहीं है, तो बॉलर्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हुए टीम बनाएंगे। एवरेज स्कोर की बात करें तो 70 से 100 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आएंगे, 70 भी मैक्सिमम बनता है, इसके आसपास ही स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। रिकॉर्ड में 13 मैच में 9 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है, तो ज्यादातर एडवांटेज यहां से पहले बैटिंग करने वाली टीम को था। यहां से 14 मैच में ऐसे 9 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, 5 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, तो ज्यादातर एडवांटेज ऐसे पहले बैटिंग करने वाली टीम को है, तो जो भी टीम टॉस जीती है पहले बैटिंग करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे टीम एंजल वुमन्स की, तो 3 मैच खेले जहाँ से 2 मैच जीत के आ रही है, 1 मैच हार के आ रही है। ओपनिंग की बात की जाए तो ऐसे R संध्या मोनिका और ऐसे BV निहारिका दोनों ही ओपनिंग करवा रहे हैं, और अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बैटिंग की बात करो तो ये दे रही है अपने R संध्या मोनिका दे रही है, जो कि तीनों ही मैच के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, 21, 24 और 36 रन जैसे स्कोर किए हुए। तो एज अ प्लेयर ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट पिक बनती है हमारे लिए, इनको लेके जाएंगे हम लोग। बाकी निहारिका लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग आ गए, तो अभी इनको लेके जाना हो तो जा सकते हो, क्योंकि इससे पहले काफ़ी नीचे बैटिंग करती थी, तो आई थिंक लास्ट मैच के अंदर उन्होंने ऊपर से बैटिंग की, यानी कि ओपनिंग की और साथ में कोच की गेंदबाजी भी की, तो आई थिंक शायद आगे कंटिन्यू करवा सकती है, क्योंकि ठीक ठाक यहाँ से 13 रन का स्कोर किया, तो यहाँ से इनको ट्राई कर सकते हैं, यानी कि एक बार इनको हम ही लेके जा सकते हैं। कविशा एलू पेरमल वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, पहले मैच के अंदर 11 रन किए थे, 1 विकेट निकाला था, दूसरी मैच के अंदर हालांकि इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन तीसरी मैच की बात करो तो 20 रन किए, साथ में 2 ओवर्स की गेंदबाजी भी की जहां पर 1 विकेट भी निकाला, तो ऐसे कविशा एलाया पेरुमल को हम लोग अभी जरूर लेके जाएंगे। अमृता शरण ने पहले मैच का परफॉर्मेंस जबरदस्त दिया था, तो एज अ प्लेयर अभी तो लेना बनता है उनको। ओवरऑल आप देख सकते हो 6 मैच के अंदर 16 विकेट निकाले हुई है अमृता शरण ने, तो एज अ प्लेयर यहाँ से इनको डेफिनेटली लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रही है। हालांकि विकेट उनको अभी सिर्फ 1 ही विकेट मिला अभी तक तीनों ही मैच की बात करें तो, लेकिन फिर भी इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो। बाकी यहाँ से RJR रामास्वामी भी एक अच्छी ऑप्शन से, ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बढ़िया पिक रहेंगे। पिछली दोनों ही मैच के अंदर विकेट निकाली, लास्ट मैच की बात करो तो 3 विकेट निकाली थी, इससे पहले 1 विकेट निकाली थी, प्लस बैटिंग से भी 25 रन किए थे, तो बैटिंग से तो नीचे खेलती है तो ज्यादा उम्मीद नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन यहां से अच्छा एडवांटेज बॉलिंग से दे सकती है, हालांकि ऊपर से भी प्रमोट हो सकती है। आई थिंक शायद एक मैच के अंदर उन्होंने ओपनिंग भी किया हुआ है, तो इनको ट्राई करना चाहो तो एज अ प्लेयर तो ऐसे हमारी टीम में रहेंगी, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए सबसे बेस्ट पिक रहेंगी। गुवेंद्र की बात करो तो अभी तक सिर्फ 1 ही मैच के अंदर उनकी बैटिंग है, जहां पर उन्होंने 0 रन किए, और आप देख सकते हो 5 मैच के अंदर ग्रुप 1 ही मैचेस, यानी कि पहली टूर्नामेंट जब हुई थी पौंडुचेरी की, जहाँ पर उन्होंने 5 मैच के अंदर 0 रन किए थे, और अभी तक भी 3 मैच के अंदर 0 रन ही है, तो ऐसे इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, इनको आपको ग्रैंड लीग वगैरह में बहुत ज़्यादा रिस्की खेलो तभी ट्राई कर सकते हो। शिमेरा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, पहले दोनों मैच के अंदर विकेट निकाली, पहले मैच के अंदर 2 विकेट निकाली, दूसरे मैच के अंदर 1, और लास्ट मैच की बात की जाए तो ऐसे 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए उनको विकेट नहीं मिले, लेकिन फिर भी इनके ऊपर आप हम लोग जरूर लेके जाएंगे। सागरिका SK काफ़ी नीचे खेलती है, तो इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं। कंडा सामी को आपको ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है, यानी कि 4 मेंबर 5 मेंबर वगैरह में भी ले सकते, या फिर ग्रैंड लीग वगैरह में भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। बाकी निशा सीतारमन और ऐसे शाइन लिंसी, तो इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है, लिंसी वगैरह को विकेट कीपिंग करवाती है तो इनको लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बैन से अगर कोई किसी भी प्लेयर्स की अपडेट मिलती है तो मैं सीधा आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो जल्दी से जाके आप लोग ऐसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए बात करते हैं हम लोग ऐसे क्वींस वुमन्स की, तो 3 मैच खेली जहाँ से 2 मैच जीत के आ रही है, 1 मैच हार के आ रही है। बात करें यहाँ से ओपनिंग की, तो ओपनिंग में यहाँ से
आर थिरुगनम एस जो कि बहुत ही अच्छी प्लेयर्स है और तीनों मैच के अंदर अभी तक का उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। पहली मैच की बात की जाए तो ऐसे 11 रन किए, साथ में 2 ओवर की गेंदबाजी करते हुए एक विकेट निकाली। दूसरी मैच के अंदर 20 रन किए, 2 ओवर की गेंदबाजी तो की लेकिन विकेट नहीं मिला, लेकिन लास्ट मैच में एक बार फिर से ऐसे 16 रन किए प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी भी की जहाँ पर एक विकेट भी निकाले। तो ऐसे एज अ प्लेयर इंपॉर्टेंट भी करेंगे, इवन थोड़ा सा रिस्क अपोर्ट कर सको तो इस प्लेयर को आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो। बाकी आर एन राजाशेखरन की बात करें तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इस प्लेयर के ऊपर भी आप रिस्क ले सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का, क्योंकि एक तो वो ऊपर से खेलती है, इवन 2 ओवर्स पूरी करवाती है। आप देख सकते हो 12, 20 और 36 बैटिंग से तीनों ही मैच के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इवन हर एक मैच के अंदर 2 ओवर्स पूरी करवाए, हालांकि विकेट उनको सिर्फ एक ही मैच के अंदर मिला पहले मैच के अंदर, इसके बाद पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी एज अ प्लेयर तो इंपॉर्टेंट है, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है। या से एन चंद्रशेखर भी एक अच्छी चॉइस है ऐसे कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की। देखो जो भी है यहाँ से टॉप ऑर्डर में ही है, क्योंकि जो भी परफॉर्मेंस दे रहे ऊपर वाले ही दे रहे, यानी कि जो बैटिंग भी वही कर रहे हैं और ओवर्स भी सारे वही कर रहे हैं, तो ऐसे टॉप ऑर्डर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। बाकी नीचे इतने कोई खास प्लेयर्स इंपॉर्टेंस है नहीं, तो ऐसे टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर्स को लेके जाएंगे, ऐसे आर थिरुगनम हो या फिर ऐसे आर एन राजशेखरन हो या से चंद्रशेखरन हो। तो ये चारों तीनों प्लेयर्स जो है, ये तीनों प्लेयर्स में से आप किसी को भी कैप्टन और वाइस कैप्टन का बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि तीनों ही का परफॉर्मेंस अभी तक के लिए सेम रहा है। एस लक्ष्मी पी ने दूसरी मैच के अंदर 2 विकेट निकाली थी, बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड इनके कोई खास नहीं है, 7 मैच के अंदर 0 विकेट है, तो इनको आपको ग्रांडिक वगैरह में ट्राई करना है। स्मॉली के लिए थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। बाकी ऐसे बात करें आर सेल्वा पेरुमल और या से जे इलुमलाई, तो इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं, लेकिन कभी कभी लेना पड़ता है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है इनके अलावा। तो अगर बैटिंग सेक्शन से दिखे तो शायद आपको लेना पड़ सकता है, बाकी तो वैसे लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी ऐसे अरुमुगम वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, तीनों ही मैच के अंदर बंदी ने विकेट निकाली हुई, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। और बाकी लोअर ऑर्डर में से किसी भी प्लेयर्स को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसे बेटा राकाविका की बात करो तो 2 मैच के अंदर 1 रन थे और दोनों ही मैच के अंदर अभी तक का इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब रहा है, तो इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। पूजा सरानामनम को लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे श्री अरावा मुथम को लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे उषा एश को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये सारे प्लेयर्स हैं जिनको आपको ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करना है, तो ज़्यादातर हमारा फोकस ऐसे टॉप के प्लेयर्स पर रहेगा। बाकी बेंच के प्लेयर्स का अगर कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करवाता हूँ, ताकि आपको आसानी रहे वहाँ पर चेंजेस वगैरह के करने के लिए। तो आप लोग जाइए सीधा ज्वाइन हो जाए अभी के लिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम के कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई ऑप्शन ना हो तो हमको लेना ही पड़ता है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी यहाँ से जेआर इलुमलाई को हमें लेके जाना पड़ेगा। वैसे परफॉर्मेंस तो इतना कुछ खास नहीं है, हालांकि 2 मैच के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दिया ऐसे 28, लेकिन आप देख सकते हो रन एक भी नहीं है, 28 पॉइंट्स दिए लेकिन रन एक भी नहीं बनाया, जो भी पॉइंट्स दिए ऐसे कैचिंग से स्टंपिंग से दे रहे, तो यहाँ से इनको इसलिए हमने लिया हुआ है। बाकी बैटिंग से तो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, तो एज अ प्लेयर यहाँ से हम लोग इनके ही साथ जाएंगे। बाकी बैटिंग से तो कोई ज़्यादा उम्मीद मत रखेगा, लेकिन जो भी पॉइंट्स देंगे यहाँ से कैचिंग से स्टंपिंग से दे सकते। बाकी सारे जो प्लेयर्स है किसी के भी यहाँ से बैटिंग खास तौर पर आती नहीं है। बैटिंग सेक्शन की बात करते ऐसे आर संध्या मोनिका, यहाँ से पी सरावनम और यहाँ से एन चंद्रशेखरन को मैंने लिया हुआ है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से ए सत्संगी, जिन जहाँ पर मैंने नाम लिखा था यहाँ से अश्विनी या क्या नाम है इनका, अमृता शरण जो नाम लिखा था, वो अमृता शरण जिनका नाम यहाँ से अमृता सत्संगी है, तो यहाँ से इनको लिया हुआ है। आर नटराजन आर और यहाँ से जे आर रामास्वामी के साथ यहाँ से आर थिरुगनम को मैंने पिक किया हुआ है। और बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से के एलाया पेरुमल, या से एस एम अरुमुगम और या से एस सी सी चंद्रशेखरन को मैंने लिया हुआ है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस इतने कुछ खास है नहीं, हालांकि या से जो भी चेंजेस करना चाहो आप लोग यहाँ से यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में कर सकते हो। देखो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बीवी निहारिका लास्ट मैच के अंदर वन डाउन भी खेली थी, एक ओवर की गेंदबाजी भी की थी, तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस अगर आ जाता है यहाँ से 1-2 विकेट निकाल लेती है तो ऐसे 1-साइडेड विनिंग करवा सकती है, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन हमारी रहेगी ऐसे जे आर रामास्वामी, सॉरी वाइस कैप्टन में चेंज करना चाहूँगा, यहाँ से वाइस कैप्टन के तौर पर मैं यहाँ से आर संध्या मोनिका के साथ जाना पसंद करूँगा। तो अभी के लिए टीम कुछ इस तरह से रहेगी कि कैप्टन हमारी रहेगी ऐसे जे आर रामास्वामी और वाइस कैप्टन ऐसे आर संध्या मोनिका है। ऑप्शंस की बात करो तो ऐसे थिरुगनम है, यहाँ से नटराजन है, इन दोनों प्लेयर्स को आपको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो अच्छा वाइस कैप्टनशिप के तौर पर, लेकिन अभी के लिए याद रहे ये डेमो टीम में, फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम में फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट टीम
वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। तो मिलते हम लोग अगली वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छे विनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।